जनसंख्या कानून के बारे में आइए पूछते हैं लोगों से कि उनका क्या मत है। तो क्या आप जनसंख्या कानून का समर्थन करते हैं? करते हैं। अगर जनसंख्या कानून का इतनी पब्लिक को कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन एजुकेशन देगा, कौन एम्प्लॉयमेंट देगा, कौन सी कंट्री एम्प्लॉयमेंट इतने एम्प्लॉयमेंट देगी? तो ये तो अल्टीमेटली तो हमारे देश के ऊपर बर्डन है ना, हमारे ऊपर बर्डन है ना, सबके ऊपर बर्डन है, रिसोर्सेस के ऊपर। सारे जंगल कटेंगे, सब कितना ज्यादा लोड है, पॉपुलेशन सब चीज को खा जाता है, हमारे रिसोर्सेस को चूस लेता है। इस पृथ्वी की एक इस पृथ्वी को बचाना है ना, नॉट ओनली दिस कंट्री, इस पृथ्वी को बचाना है आपको। सर कहते हैं एक विशेष समुदाय को कहा जाता है कि वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, इसमें आपको क्या लगता है? हो सकते हैं, आप पूछ के देखो विशेष समुदाय से, वो बोलेंगे कि हाँ। कोई भी विशेष समुदाय वाला नहीं बोलेगा कि हमें 10 बच्चे नहीं चाहिए, वो कहेंगे जो ऊपर वाला देता है और वो करते हैं। विशेष समुदाय वाला हर बंदा बोलेगा। जनसंख्या कानून के बारे में बोलेंगे? जनसंख्या कानून के बारे में कुछ बोलो। क्या बोलो? समर्थन करते हैं, विरोध करते? हम समर्थन में है, जनसंख्या कम होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 2x1 होना चाहिए, और अगर 2x3 है सरकारी सुविधा सारी खत्म, बिल्कुल सारी सुविधा खत्म, राशन कार्ड भी खत्म, वोटर आईडी सब खत्म, आराम से रहो ब्लैक मनी की तरफ, बिल्कुल रिलैक्स। नहीं तो आने वाले 50 साल बाद पैर रखनी जगह नहीं बचेगी, 10 साल के बाद जीने के जगह नहीं बचेगी। इतनी आबादी देख रहे हो आप, कोई भी किसी में थोड़ा भी सेंस होगा तो इस चीज को कहेगा कि भाई सबसे बड़ी समस्या यही है। आप कितना भी विकास कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, सब एवरीथिंग विल बी नलिफाइड। आपके घर में 100 बच्चे होंगे, आप सबको पाल लोगे क्या? किसी के भी घर में, तो अगर देश के घर में इतने करोड़ बच्चे हो जाएंगे तो देश कैसे पालेगा उनको? आप अपने घर में बताओ, आपके घर में 200 बच्चे हो जाए आप पाल लोगे? तो देश के घर में हो जाएगा तो देश कैसे पालेगा उनको? कोई भी इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी, सीधी सी बात है। आपके घर में हम 500 बच्चे भर दें, आप एफर्ड करोगे? बोलोगे ना भाई नहीं। तो देश के घर में भर दिया जाए तो कैसे हो सकता है? तो करना है। जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उसके भ्रष्टाचार जो तमाम सामने आ रहे हैं, शीश महल घोटाले से लेकर शराब घोटाले तक, उस पर क्या विचार? देख रही है पब्लिक, छिपा हुआ तो कुछ है नहीं। जितना आप देख रहे हो, एक सिसोदिया अंदर चला गया, निकल नहीं पा रहा है। इतना तगड़ा क्राइम किया है उसने, इतने तगड़े एविडेंस हैं, निकल नहीं पा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से तो वो गया, बस वही है। 2024 में बतौर प्रधानमंत्री किसे देखते हैं? वो मोदी है या फिर योगी आ गए उसके अलावा 2024 में तो प्लस मुख्यमंत्री आएंगे अपने, पूरे वर्ल्ड में मुख्यमंत्री मोदी जी आएंगे अपने, और अदरवाइज कोई भी नहीं आएगा। और दिल्ली के अंदर आप बोल रहे हो केजरीवाल की बात, तो केजरीवाल की बात ऐसी है, आप मेरी बात सुनो। मैं यूपी सेक्टर 14 से हूँ। केजरीवाल ने जो करा, XYZ जो करा, अच्छी बात है, बट लेकिन अगर केजरीवाल ने दिल्ली का सुविधा सोची हुई है तो उसको यूपी की भी सोचनी चाहिए, बट लेकिन उनने यूपी की नहीं सोची, आप समझ रहे हो? यार 25 लाख रुपए में एक कमरा बना रहा है स्कूल का, क्या है का बंदा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। दिल्ली के पास जितना फंड है, दिल्ली को सुपर सिटी बनना चाहिए था, इतना फंड है, ह्यूज फंड है दिल्ली के पास। सारा पैसा 25 लाख रुपए एक कमरे, स्कूल के एक कमरे, एक टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं करी, कह रहे हैं शिक्षा का लेवल ऊपर चला गया। शिक्षा का लेवल ऐसे ऊपर जाता है बिल्डिंग बना के, बिल्डिंग बनाने से क्या एजुकेशन हो जाएगी? एजुकेशन अलग चीज है, आपको बहुत टैलेंटेड टीचर चाहिए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन नहीं होता। 9th के बच्चों का रिजल्ट देखो, 11th के बच्चों का रिजल्ट देखो, 80% बच्चे फेल हुए। काम हो रहा है। 2024 में किसको वोट देंगे? बीजेपी, मोदी। क्या कारण रहेंगे? आज नाम वर्ल्ड के अंदर नाम है, लोगों को काम नजर नहीं आ रहा। उम्मीद मिली ना, एक उम्मीद की किरण मिली। देखो आज मिलिट्री में काम हुआ है, मिलिट्री में देखो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखो। 70 साल में चाइना में एक सड़क नहीं बनी थी, आज सड़कें बन रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, हवाई पट्टियां चालू हो गई है। चाइना भी सोचता होगा ये क्या हो गया, ठीक है। सारी दुनिया के अंदर इस देश का नाम है ना, नाम अकेले बंदे, ठीक है। मोदी रहेगा तो आपका देश और सेफ हो जाएगा। जो G20 अभी रिसेंट हुआ, ये बात ठीक है, जो G20 अभी करा, बहुत बड़ा चीज होता है। मोदी जी ने इंडिया को जिसने कामयाब करा, इंडिया से बाहर की कंट्री भी कामयाब करी है मोदी जी ने, और मोदी जी का हम वेलकम चाहेंगे, मोदी जी से नमस्ते बोलेंगे हम। मोदी जी ने जो साथ दिया है ना, अदरवाइज इससे पहले और भी आए थे वर्ल्ड में,
उन्होंने साथ नहीं दिया जो मोदी जी ने साथ दिया। किसको देंगी वोट 2024 लोकसभा चुनाव में, किसको वोट देंगी, भाजपा को या कांग्रेस? सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार किसको देंगे? मोदी को। मोदी जी को काम बताइए, कौन से किस काम पर देंगे? हम राजस्थान से हैं और यहाँ आए घूमने फिरने, लेकिन राजस्थान के साथ आप बताइए महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया है मोदी जी? अच्छा किया, कुछ नहीं किया। क्या किया है? नौकरियां चली गई, सरकारी नौकरी खत्म हो गई, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने क्या किया? केजरीवाल के घोटाले सामने आ रहे हैं। केजरीवाल का मैडम, केजरीवाल लोग कहते हैं कि केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं, उसके हाथ में पावर है। अगर उसके हाथ में पावर है तो वो श्रद्धा जैसी लड़कियां, साक्षी जैसी लड़कियां क्यों मर रही है? अगर वो स्टेट हो जाए, कानून व्यवस्था में सिर्फ मतलब केजरीवाल या स्टेट का होता है, सेंटर का नहीं होता। कानून किसके अंदर आता है, स्टेट लिए से सेंटर के लिए? सेंटर के अंदर। सब सेंटर के अंदर आता है तो आप क्या बोले कि केजरीवाल जिम्मेदार? मैडम अगर वो हमारे सीएम है, वो कुछ करेगा तभी तो पुलिस कुछ करेगी। पुलिस ही टाइट नहीं है तो लोग कहाँ से कुछ कर लेंगे? लोग बात देख के निकल ले, पहले हमारे को पुलिस को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से हमारी देखो श्रद्धा जैसी लड़की, साक्षी जैसी लड़की दिन दिहाड़े मारी गई है। ये पुलिस केस तो कुछ कर सकते हैं पुलिस? वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज भी देखो तुम्हारा श्रद्धा का केस अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। बताओ क्या मिला है? बताओ आप बताओ क्या मिला है? महंगाई बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई भी नहीं है, देश तरक्की करेगा थोड़ी महंगाई तो। 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को बनाएंगे? ओ वही वही बनेगा। राहुल गांधी क्यों बनेगा आप ये बताओ? उनने क्या करा? उनने क्या करा भाई? बहुत सुविधा मिली है यार। जो सुविधा थी वो सुविधा आज मिली है। आप कुछ गिनवा दो, ये दिया भाई। एक चीज बताओ, महंगाई कितनी हो रही है? कितनी हो रही है बताओ भाई? हद से ज्यादा महंगाई जा रही है। गरीब आदमी जिसके घर में 6 कमाने वाले हैं उसका कोई जोखा नहीं। जो सर अपनी दुकान चला रहा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मजदूर आदमी है, पुराने जमाने में अगर तुम्हारी सैलरी 1 रुपए थी तो उस समय कितना सामान तुम्हारा कम था? 1 रुपए में तो बहुत सामान आ गया यार, बच भी जाते थे ना, बचते थे। अब इस समय तुम 10 रुपए का गुटखा खा रहे हो, 70 रुपए की दारू पी रहे हो, तो क्या बचा रहे हो? दारू तो पहले भी क्या बचा रहे हो? क्या रहे हो? नशे की चीज तो पहले भी भाई, नशे की चीज पहले भी, नशे की चीज अब भी है। अब भी है, बात तो हुई है। जब का 1 रुपया आपका 1 लाख रुपया बराबर है। मैडम केजरीवाल से कुछ नहीं हो रहा, मोदी से। राहुल गांधी जी का समर्थन कर? राहुल गांधी मैम कुछ नहीं कर पाएगा।